रीवा में सरयू की तर्ज पर बिहार की आरती, पंचमठा धाम में आज से रोज होगी भव्य आरती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बिहार नदी के सौंदर्य को निहारते रह गए लोग। रीवा के पंचमठा मंदिर में आज से महाआरती की शुरुआत हुई है। बता दें कि आज अयोध्या में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की गई है और आज से ही रीवा में बिहार नदी की महाआरती की भी शुरुआत की गई है। अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की जीवंत तस्वीर भी पंचमठा धाम में दिखाई गई। साथ ही इस पूरे परिसर में दीपोत्सव का नजारा भव्य दिखाया गया है। पंचमठा धाम में स्थित बिहार नदी की शोभा आज देखते ही बनी। शाम ढलते ही बिहार नदी रंग बिरंगी लाइटों से जगमग और रोशन नजर आई, जहां नदी के किनारे 21,000 दिए भी जलाए गए। उप मुख्यमंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज एक यज्ञ पूरा हुआ है। बिहार नदी ने हमारे रीवा जिले की तस्वीर और तकदीर को बदल दिया है, क्योंकि इसके पानी से 400 मेगावाट की बिजली पैदा हो रही है और 3,00,000 एकड़ की कृषि भूमि पर पानी भी पहुँचाया जा रहा है, जिसे भविष्य में जल्द ही 6,00,000 एकड़ में पहुँचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश का कोई भी हिस्सा समृद्धि के मामले में हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। हमारी समृद्धि में बिहार नदी का योगदान बहुत बड़ा है, इसलिए भव्य आरती की परंपरा राम दरबार की ओर से शुरू की गई है। मान्यता के मुताबिक तकरीबन 1200 वर्ष पहले सनातन धर्म की स्थापना के लिए आदि शंकराचार्य देशाटन पर निकले थे। चार मठों की स्थापना के बाद वह सन 818 में रीवा आए थे। उस दौरान वे पंचमठा मंदिर वाले स्थान पर ही रुके थे और यह स्थान उन्हें बेहद प्रिय लगा था, जिसके बाद उन्होंने बिहार नदी के तट पर मंदिर की स्थापना की थी। आचार्य शिवम शुक्ला ने बताया कि रीवा में शास्त्रार्थ कर आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना की घोषणा करते हुए कहा था कि रीवा में 5वें मठ की स्थापना होगी, तभी से ये मंदिर भक्ति और आस्था का केंद्र है। तब से ही मंदिर का नाम पंचमठा मंदिर हो गया है। इस मंदिर के भव्य, सुंदर और आकर्षक बनने के बाद अब इसका पुराना खोया हुआ वैभव लौट आया है। पंचमठा मंदिर के महत्व को देखते हुए सरकार ने भी यहाँ के मंदिर नदी के तट को और विकसित करने का प्रयास किया है, जहाँ अब इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।